जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ, जितने भाई पेंशन धारक हैं, जो लोग न्यू अप्लाई किए हैं, उसका स्टेटस आप लोग चेक करना चाहते हैं। तो दोस्तों, आप लोग कैसे चेक कर पाएंगे? बहुत ही आसान तरीका है, मैं एक ऐसा आसान तरीका बताऊंगा बिना ओटीपी के। दोस्तों, आप जो है इसका स्टेटस आप लोग देख सकते हैं। यदि आपने न्यू पेंशन अप्लाई किया है, जैसे वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, जो भी पेंशन आपका है, जो भी आप अप्लाई किए हैं, तो आप कैसे उसका स्टेटस देख सकते हैं कि हमारा पेंशन का स्थिति क्या है, कहां तक पहुंचा है, अब कब आएगा, क्या है, इसका पूरा प्रोसेसिंग मैं आपको बताने वाला हूं। छोटा वीडियो है, लेकिन दोस्तों देखना बहुत जरूरी है, बिना ओटीपी के मैं बताऊंगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अप्लाई कर दिए हैं, वो लोग परेशान हैं कि हमारा पेंशन अभी तक नहीं आया, क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, तो आप इधर उधर दौड़ कर जाते हैं। तो दोस्तों, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप घर बैठे जो है अपने मोबाइल के माध्यम से जो है आसानी से चेक कर पाएंगे। इस वीडियो के माध्यम से आप लोग देखिएगा, मैं बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा बिना ओटीपी की, आप अपना स्टेटस देख सकते हैं अपना पेंशन का। तो चलते हैं सीधा वीडियो को शुरू करते हैं और दिखाते हैं। तो चलते हैं सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आपको एक एप्लीकेशन ओपन करना है, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से उसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कौन सा एप्लीकेशन है, देखिए पेंशन ऐप। एक बार मैं प्ले स्टोर में जा करके मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे आपको इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है, उसके बाद आपको कैसे चेक करना है। तो फिलहाल आप लोग बने रहिएगा दोस्तों, कोई भी नहीं बताएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो भाई आप लोग बने रहिएगा। ये देखिए दोस्तों, प्ले स्टोर मेरा ओपन हो गया है। तो इसमें आपको टाइप कर देना है पेंशन ऐप, तो हम लिखते हैं पेंशन ऐप। जैसे हमने लिखा पेंशन ऐप, तो हम इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए तीसरे नंबर पे आ रहा है, अभी मैं इस पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए लिखा है विंडो दिव्यांग ओल्ड एज पेंशन, तो हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे। हमारे में जो है ऑलरेडी पहले से इंस्टॉल है। तो दोस्तों, आपको यहां से जो है डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कर लेना है, क्योंकि मेरे में ऑलरेडी पहले से इंस्टॉल है, इसलिए यहां सब कुछ शो हो रहा है। उसके बाद मैं आपको अभी दिखाता हूं कैसे आपको चेक करना है। तो सबसे पहले क्या करना है अभी मैं आपको दिखाता हूं। तो सबसे पहले आप सीधा कट कर देंगे, उसके बाद अपना एप्लीकेशन ओपन करेंगे। अपने एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आप हो सकता है लॉगिन मांगे, यानी कि आपको लॉगिन करना पड़ेगा आपके मोबाइल नंबर से, आप लॉगिन हो जाइएगा। और उसके बाद अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए मेरा सब कुछ ओपन हो गया है। सबसे पहले आप ये देखिए पेमेंट स्टेटस, तो हम इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, ये देखिए एक ही ऑप्शन है जो कि रजिस्ट्रेशन नंबर है, उसी नंबर से जो है स्टेटस हम चेक करके अभी बताएंगे स्टेटस का क्या हाल है और मेरा स्टेटस में क्या प्रॉब्लम है। आप इसमें डालिएगा रजिस्ट्रेशन नंबर, तो चलते हम डालते हैं। दोस्तों देखिए, मैंने इसमें डाल दिया है, उसके बाद सर्च पे क्लिक कर देंगे, अभी ओपन होगा। तो भाई आप लोग घबराइएगा मत, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, थोड़ा आपको वेट करना है। दोस्तों देखिए जो है अभी हमारा जो है तीसरे नंबर पे पहुंचा है, तीसरे लेवल पे अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। थोड़ा हम जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे दिखे। दोस्तों ये देखिए, इसके पहले मैं चेक किया था, कुछ इसमें जो है बदलाव हुआ है, इसके पहले जो है कुछ था और अब इसमें शो हो रहा है कुछ और है, यानी जो है हमारा अभी तीसरा लेवल जो है अभी पेंडिंग में है, पूरी तरह से फॉरवर्ड नहीं है। अभी जो है तीसरा लेवल यही लेवल है, यदि तीसरा लेवल आपका हो जाता है तो चौथे लेवल में जो है आपका पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाता है, तो यहाँ शो कर देगा। तो आप लोग देखिएगा दोस्तों, ये देखिए यदि आपका यहाँ कुछ भी नहीं दे रहा है, तो ये कि टू बी अपलोड ऑन पीएफएमएस, यानी जो है मेरा डाटा पीएमएस पर अपलोड कर दिया गया है, अभी जो है यहाँ जो है पेंडिंग में रुका हुआ है, अभी जो है मेरा पेंडिंग में है। तो आप लोग यहाँ से ऐसे ही अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। दोस्तों ये देखिए, जो भी आपका जहाँ से है आपको सब कुछ यहाँ देखने को मिल जाएगा, डेट, टाइम, समय और इतने समय मेरा स्टेटस कहाँ पर है, क्या है। तो आप लोग जो है यहाँ से चेक कर सकते हैं, इसमें चार लेवल होते हैं, तो तीसरा वाला लेवल हमारा अटका हुआ है, यानी कि ये फाइनल हो जाता है, ये कंप्लीट हो जाता है तो जो है मेरा पेंशन आ जाएगा। तो आप लोग इसी तरह से जो है अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं, जिस तरह से मैंने आपको बताया है, बहुत ही आसान तरीका है, कुछ करना नहीं है, आप घर बैठे अपने मोबाइल के माध्यम से इतना कर सकते हैं। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से जो आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों, वीडियो में इतना ही। जय हिंद।